मेरे अंतिम शब्द बुद्ध। आप मानो न मानो, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। मुझे समझ आ ही गया था कि वो मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। उस समय 25 वर्षों से मेरे साथ रह रहा मेरा शिष्य आनंद भी मेरे साथ था। निश्चित ही मेरी ये हालत देख वो बहुत दुखी हो गया था। इधर उसका ये हाल देख मैं आश्चर्यचकित था कि यदि उसे सिर्फ मेरी संभावित मृत्यु से इस कदर दुख पकड़ रहा है, तो फिर उसने जीवन भर मुझसे सीखा क्या? मेरे साथ 25 वर्ष रहने वाले शिष्य तक का यदि दुख से छुटकारा नहीं हुआ है, तो फिर बाकियों ने मुझसे क्या ग्रहण किया होगा? और मजा ये कि अभी मैं इस आश्चर्य से बाहर आया भी नहीं था कि आनंद ने मुझे दूसरे आश्रम में डाल दिया। उसने मुझसे पूछा, मुझे ऐसा सत्य दीजिए कि मेरा हमेशा के लिए उद्धार हो जाए। अब मैंने क्या जीवन भर असत्य कहा था जो अंतिम वक्त कोई महान सत्य अपने प्रिय शिष्य को देकर जाता? और फिर मैं किसी को सत्य देने वाला कौन? मैं तो सिर्फ राह दिखा सकता हूं, बाकी तो सही मार्ग पर चलकर सत्य मनुष्य को स्वयं पाना होता है। किसी मनुष्य के पास किसी को कुछ देने की या किसी से कुछ छीनने की क्षमता ही कहां होती है? सो मैंने उससे कहा, भाई आनंद, अप दीपो भव, यानी अपने दीप स्वयं बनो। अब जब मैं साक्षात था, तब भी मेरे अंतिम शब्द यही थे, और आज 2500 वर्ष बाद भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अप दीपो भव, यानी अपने दिए स्वयं बनो। और सच कहूं तो ये मेरे मुख से निकले तमाम शब्दों और व्यवहारों का सार है। मैं दावे से कहता हूं कि यदि आप इसे गांठ बांध लेंगे तो आपका तत्क्षण उद्धार हो जाएगा। मुझे राह दिखानी थी तो दिखाकर चला गया। अब उस राह पर चलकर अपना सत्य आपको पाना है, इसमें मैं कुछ और नहीं कर सकता। सोचो ये कि जब मैं साक्षात था तब कुछ नहीं कर सकता था, तो अब मेरी मूर्तियां या मेरे जैसे वस्त्र पहनना क्या कर लेगा? सो इन सब नौटंकियों से छूटो और स्वयं को भ्रम में डालने से बचो। सीधे सीधे मेरे बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का सत्य खोजने में लग जाओ। विश्वास जानो कि अपने द्वारा अपना उद्धार करने के अलावा तुम्हारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं। आपको अपना दीप बनकर अपने को रोशन स्वयं ही करना पड़ेगा। ऐसी ही जीवन परिवर्तित कर देने वाली अनमोल फिलोसॉफिकल कहानियाँ व दीप त्रिवेदी द्वारा दिए गए उनके सटीक सार के लिए पढ़िए सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ 101 सदाबहार कहानियाँ। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।